जनता की सेवा में आप लगे हुए हैं लगातार और ठंड में भी। सब जगह देख करके आना और फिर जो आप जानते ही हैं जीविका समूह के साथ भी बातचीत अलग से और एक मीटिंग होता है, जितना भी जो भी काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसकी क्या स्थिति है, कहाँ कितना हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में एक बताया गया है और वो पूरा का पूरा डीएम एक एक चीज़ के बारे में जानकारी। सर सारण की यात्रा कैसी रही? और जितने भी सभी एमएलए और एमएलसी से भी विभिन्न पार्टियों के भी लोग रहते हैं वो भी अपनी बात बताते हैं उनके इलाके का क्या है, एक एक चीज़ को नोट किया जाता है और आज भी लोगों ने बता दिया है, हर आदमी हर लोगों से वो ले लिया जाता है उनका और हमने डीएम को कह दिया है और सारे अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं कि उस विभाग के जो अधिकारी हैं वो वहाँ अपने लोगों को वहाँ भेजेंगे और एक एक चीज़ को देख करके पूरी रिपोर्ट लेंगे और डीएम भी वहाँ जा करके सब चीज़ को देखेंगे। ये हमारा इस यात्रा का मकसद ही यही है कि एक कितना काम हुआ, क्या बचा हुआ है और आगे विकास के लिए और क्या किया जाना चाहिए। जितना हम लोगों ने प्लान किया है वो तो ठीक ही है लेकिन किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस पूरा होना चाहिए और आगे क्या होना चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ इस बार की हमारी यात्रा है। तो उसी सिलसिले में सबकी बात मिल रही है, एक एक बात पर ध्यान दिया जा रहा है और सबके दृष्टिकोण से आगे जो करना है हमने अधिकारियों को कह दिया है एक एक चीज़ को लेकर के, ताकि उसके बारे में कोई और भी करना पड़ेगा, जितना भी और इंतजाम करना पड़ेगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यही है और बहुत अच्छा रहा, सब जगह लोगों से मिलते रहे, लोग अपनी बात बताते रहे और आप तो सब कई जगह देखे ही होंगे, सबनों से मिले। आज भी काफ़ी देर तक हम लोगों ने सब लोगों ने बातचीत कही है, सब लोगों की बातचीत सुने हैं और हम लोगों ने कहा कि हम लोग आगे देखेंगे। सर डबल डेकर का अनुजित करपाल साहब के लिए क्या होगा? चिंता है सर, डबल डेकर मुआवजा को लेकर सर। अरे वो तो एक अलग चीज़ है, बाकी सब अनियोजित कार्यपालक सहायक के लिए सर क्या होगा? अनियोजित कार्यपालक सहायक के लिए नहीं, अरे सब तो बाकी चीजों पर तो। सारण का यात्रा कैसा रहा सर? सारण का यात्रा कैसा रहा सर? बहुत अच्छा सर, सारण में सब जगह देख करके चीनी मिल को लेकर लगातार यहाँ के युवाओं की मांग रही है कि उसको शुरू करवाया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। क्या नहीं ठीक ही है, सरकार की तरफ से कोई प्रयास हो रही है? यही तो हम आपको बता दिए कि हम लोगों का मकसद क्या है। मकसद यही ना है सब लोगों की स्थिति को जानना और उसके लिए जो भी किया जा रहा जितना दूर तक किया जा सकता है उस पर सब चीज़ निर्णय लेकर के करेंगे। तो इसी के लिए तुम घूम ही रहे, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने भी बुलाया है और कहीं किसी को किसी बात के लिए कोई दिक्कत हो रही है वह भी देख रहे हैं हम लोग। और मान लीजिए कि जिसको होना चाहिए उसके लिए काम नहीं हो रहा है तो डीएम और कंसर्न अधिकारियों को कहा गया कि एक एक चीज़ को जा कर के देख लीजिए। तो आज जैसे हम जाएंगे तो डीएम और यहाँ के सारे लोग एक एक जगह जा कर के देखेंगे सब चीज़ों को, तो सब चीज़ करेंगे, यही है।